आप कैसे हो आप लोग सब लोग? कैसा लगा गाना आप लोगों को? मैं थोड़ा नर्वस था काफी, क्योंकि मेरा फर्स्ट गाने का लॉन्च है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा लगा और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग आए और सब लोग आए हुए हैं, तो थैंक यू सो मच सब। जो कि मुझे पता चला है कि आपका जो बर्थ ऑफ डेट है, तो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 15 अगस्त है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था और उस दिन आपके पापा मम्मी भी आजाद हुए थे आपसे। ऑलराइट, सो जो कि आप मुझे अपनी स्टोरी बताएं, क्योंकि मैं अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो उतना मजा नहीं आएगा अगर आप अपने मुंह जबानी बताएंगे कि आप एक सिविल इंजीनियर थे और आपका वहां से एक बॉलीवुड तक का सफर, एक आपका और अंकुर का कैसा रहा, तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे, तो मीडिया जानना चाहती है। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने भी बड़े बड़े लोग आए सबने काफी सपोर्ट किया है, क्योंकि खड़े होने के लिए आपको पीछे से बैकअप चाहिए होता है और आपकी टीवी सब कुछ करती है आपके लिए, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग आए, तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और रही बात स्टोरी की, तो सर जो भी है इन्होंने बनाया है मुझे, मतलब उतना टैलेंट तो कोई खिलाता है तो ही इज अ किंग मेकर एक्चुअली। और मेरी शुरुआत ऐसे हुई, एक्चुअली आई यूज्ड टू लाइक एमएम सो मच, आप लोगों ने एमएम का नाम सुना होगा, इट्स लाइक रैप गॉड, एंड और मैं स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था मुझे, स्टार्टिंग में मैंने मुझे अच्छा लगता था करना, काफी 4-5 साल पहले की बात है, मैंने यूट्यूब से सब कुछ सीखा, यूट्यूब से म्यूजिक बनाना सीखा, यूट्यूब से हाउ टू राइप वॉट से एक्चुअली रैप मैंने वहां से सीखा, रैप इज नथिंग, रैप इज रिदम एंड पोएट्री, आपके शब्द आपके जबान को बोलते हैं, आप कोई चीज कोई भी चीज होती है आप लंबा उसको खींचते हो, लंबा मत बोलो, छोटे शब्द में जो चीज बोलती है वही रैप होता है, आप अपनी फीलिंग्स बता दो लोगों को, इनहेंस करो आप अपने शब्दों से, वही रैप है। और फिर हम लोग कॉलेज में मिले और उन्होंने काफी सपोर्ट किया, और बस बस सर अब सब कुछ आपके सामने ही है। तो अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, आप लोगों को ये गाना कैसा लगा जोकर का? अच्छा लगा, तो क्या पब्लिक मतलब इसको पसंद करेगी? करेगी। तो ये तो एक छोटा सा नमूना है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसके बाद हमारा गाना आ रहा है 24 जनवरी को, प्राउड टू बी एन इंडियन मिस्टर जोकर, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, उसमें हम ये गाना निकाल रहे हैं, म्यूजिक हमने और जोकर ने मिलकर की है, और वो गाना भारत माँ के लिए है, मेरे ख्याल से मैं किसी को बोलूंगा नहीं ऐसे कि किसी ने बनाया कि नहीं बनाया, शायद किसी रैपर ने भारत माँ के लिए गाना बनाया कि ना, आई डोंट नो, हमने बनाया है, जोकर जी ने बनाया है, और भारत माँ के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो आएगा। देन उसके बाद 28 जनवरी को अनाउंस करना चाहूंगा, अंकित तिवारी और मिस्टर जोकर का भी एक सॉन्ग आ रहा है, क्योंकि जोकर रैपर तो जरूर है बट कहीं ना कहीं अगर आप ये जानते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर, तो म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है, वो सारी म्यूजिक बनाता है, जरूरी नहीं कि रैप बनाए, लव बनाए, रोमांटिक सॉन्ग बनाए, फैड बनाए, नहीं, हम सब बनाते हैं हिप हॉप, जैज, कुछ भी आप हमें टास्क दीजिए, हम आपको काम करके देंगे, ये हमारा टारगेट है, म्यूजिक कैसी भी हम सब बनाते हैं। थैंक यू। वाओ, सो जोकर आप यहाँ रहिए, और आपने वीडियो में जो मॉडल को देखा था, तो शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज अमेजिंग, सो अब हमारे बीच में है, सो आई वांट टू कॉल ऑन स्टेज रूपाली, can I have Rupali on stage? Please, a round of applause for her. Hi, Rupali. Hi, everyone. How are you doing? How did you find the song? Okay. So, well, so I hope that you know everything's going well here. I'm sorry, I'm a bit late, and. So you've already showcased the song, and I'm sure people must have liked it. Okay, that's great. That's great. So, everybody, how was your experience working with Joker? It was quite awesome. I think the shoot went really well. We worked hard. We because it was night shifts, and it was awesome. I think as you can see in the song, the shoots were quite good. पहले मैं आपके बारे में मीडिया को से पूछना चाहूंगी कि आपको कितना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, एंड आई थिंक जहां तक मैं जानती हूँ पंजाब में आपने बहुत एल्बम्स किए हैं, स्पेशली हारी सिंधु का ब्लू हॉर्न, सो आप बताना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा बहुत?
Yeah, so it's been 1.5 years that I'm into modeling, and now I'm debuting into acting too this year with a South movie. So I've done a lot of albums, and last year there was this album called Horn Blow, which was by Hardy Sandhu, and that was quite a big hit, and it received more than 100 million views, and very, very popular. It got an award for the most popular song of the year. Apart from that, I did many more albums which also got good views. There was Wowtastic and a lot of them. So, well, I hope that even this one gets the similar amount of views, and it does really well. So, my best wishes to you, Joker. Wow, thank you. But zordar taaliyan ho jaye, guys. Thank you so much. I really want you can have a seat. Between that, मैं बुलाना चाहूंगी लोकेश तिलकधारी को. He's a producer, he's a politician even, and he's also a business partner. सबसे interesting बात ये है कि ये भी acting करते हैं. He's also an actor. इन्होंने गायल once again, यमुना पगला दीवाना, first, second, third part जो आने वाला है, और भैया जी superstar, देसी कट्टा, जिला गाजियाबाद, काफी सारी मूवीज इन्होंने की है. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. सर क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय जितने हमारे यहाँ पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर आए हुए हैं, मेरे बड़े भाई पिता समान, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार. क्या आप सब आए, आपने हमारा सम्मान बढ़ाया. और मुंबई में खास तौर से जितने हैं, शुरुआत में यंग से लड़के जो है एक्टर ही हैं, बहुत पहले की बात है थोड़ा सा. और पहले मैं अपने भाई के बारे में बता दूं, जोकर टैलेंट के बारे में क्या कहूं, टैलेंट तो आप समझ अभी इसका मेरे भाई का देखा ही है. और अंकुर मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, अंकुर एक बड़े दराव. और ये सर जो अंकुर और जोकर हैं सर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए सिंगर छोड़, ये सर ये इंसान बहुत प्यारा है सर. दिल करता है कि इनके लिए कुछ भी कर दो जितना हो सकता है. तो जब अपने कॉलेज में मैं छात्र नेता रहा तो तब किसी ने मुझसे राजकुमार जी की आवाज में पानी मांग लिया. अब मैं शुरू से जिद्दी रहा तो मेरे दिमाग में बैठ गई ये बात कि अब इससे जो किसी एक्टर की आवाज में पानी मांगना. तो फिर मैंने सन्नी देवल जी की आवाज वहां पर निकाली थी, वो एक बार यहां भी निकाल के दिखा देता हूं आपको. बाप जी मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं. बाकी जो है जोकर बताएंगे आपको. और कुछ हमारे गेस्ट हैं जो अभी आने वाले हैं बीच में, रजनीश दुग्गल जी हैं वो आ रहे हैं, जयदीप अहलावत जी हैं वो आ रहे हैं, और बॉलीवुड राइटर डायरेक्टर जिशांत कादरी जी वो आ रहे हैं, और अनुषा जैन जी यहाँ पर आई हुई हैं, एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, और मोहम्मद जिलानी पाशा जी यहाँ पर आए हुए हैं, जसवीर भाटी जी हैं वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और यहाँ पर आए हुए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद. और कुछ है, और प्रियोम कटारिया मेरा भाई है छोटा, ये भी एक्टर है, यहाँ आया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद. और बाकी आते ही बताएंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताते रहूंगा. थैंक यू और बहुत बहुत बधाई सर. धीरे धीरे इनका अंकुर और ये दोनों म्यूजिक बहुत कमाल बनाते हैं सर. धीरे धीरे आप सब देखेंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो सर ये तरक्की कर जाएंगे धीरे धीरे, साथ साथ हम भी कर जाएंगे सर.